सब्सक्राइब करें हिंदी न्यूज चैनल को और सबसे पहले न्यूज पाने के लिए घंटे को जरूर दबाएं। ये बिल्कुल फ्री है। सामान्य बजट वाली यह सस्ती 7 सीटर कार हुई भारत में लॉन्च। मात्र इतनी है कीमत। भारत में डैटसन ने अपनी सस्ती 7 सीटर गो प्लस का नया अवतार भारत में लॉन्च कर दिया है। इस कार के साथ कंपनी ने इसके हैचबैक अवतार गो प्लस को भी लॉन्च किया है। जहां गो प्लस की कीमत 3.83 लाख रुपए से शुरू होती है, वही गो कार की कीमत 3.29 लाख रुपए रखी गई है। डिजाइन की बात करें तो दोनों ही कारें बिल्कुल एक तरह ही दिखती है। ड्यूल टोन एलॉय व्हील्स, स्पोर्टी रूफ रेल्स, नए हेक्सागोनल ग्रिल और एलईडी डे टाइम रनिंग हेडलाइट के साथ इस कार में 2 नए कलर वेरियंट भी देखने को मिलते हैं, जो सनसेट ब्राउन और एम्बर ऑरेंज है। सिर्फ गो प्लस का पिछला हिस्सा गो से लंबा है, जो इन दो कारों को एक दूसरे से अलग बनाता है। कार के इंटीरियर की बात करें तो इसमें 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है, जो एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले दोनों से लेस है। गो में 265 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलता है, वही गो प्लस का बूट स्पेस 347 लीटर का है। सेफ्टी फीचर के तौर पर इन दोनों कारों में ड्यूल एयरबैग्स देखने को मिलते हैं, साथ ही रिवर्स पार्किंग सेंसर भी इस कार में मौजूद है। कार के इंजन में कंपनी ने कोई बदलाव नहीं किया है। इस कार में वही 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, जो अधिकतम 68 PS का पावर 104 Nm के टार्क पर प्रदान कर पाने में सक्षम है। यह इंजन 5 स्पीड गियरबॉक्स द्वारा संचालित किया जाता है। कार का माइलेज 19 किमी लीटर का है, जो एक आम आदमी के हिसाब से काफी बेहतरीन है। इस कार कंपनी ने आमिर खान को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपकी पसंद की कार कौन सी है, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपका एक लाइक मेरी बहुत हेल्प कर सकता है, तो जल्दी से लाइक के काले से बटन को नीला कर दो।